दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कई साल पहले से ही मोबाइल के सभी कंपनियों ने नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले स्मार्टफोन बनाने शुरू कर चुके हैं और आजकल आ रहे लगभग हर एक कंपनी के स्मार्टफोन की बैटरी नॉन रिमूवेबल होता है और अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई स्मार्टफोन ऐसा आता होगा जिसमें रिमूवेबल बैटरी होगा। तो दोस्तों नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले स्मार्टफोन आने से कुछ छोटे मोटे नुकसान भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो नुकसान से कई ज्यादा ऐसे बैटरी आने के फायदे ही है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको नॉन रिमूवेबल बैटरी के फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन रिमूवेबल बैटरी आने के फायदों के बारे में। नंबर वन, सबसे पहला फायदा यह है कि कुछ फर्जी कंपनियों के द्वारा नकली बैटरी बनाए जाते थे जिसके कारण सभी स्मार्टफोन की रिमूवेबल बैटरी आसानी से मार्केट में मिल जाती थी, जिसके कारण लोग सस्ती बैटरी लेने के चक्कर में मार्केट से नकली बैटरी ले लेते थे जिसके कारण जो ओरिजिनल ब्रांड है उसको काफी नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर टू, नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले स्मार्टफोन सेफ्टी के लिहाज से भी काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें स्मार्टफोन के साथ बैटरी को बहुत ही मजबूती के साथ बैंड किया जाता है जिससे कि फोन गिरता भी है तो कोई नुकसान नहीं होता है। नंबर थ्री, स्मार्टफोन जितना स्लिम होता है तो वो देखने में भी उतना अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले स्मार्टफोन में बैटरी को फोन के साथ कम जगह में बेहतर ढंग से सेट किया जाता है और यही कारण है कि फोन की थिकनेस भी कम हो जाती है। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब नॉन रिमूवेबल बैटरी आने लगा। नंबर फोर, इसका और फायदा यह भी है कि बैटरी अंदर फिट होने से मोबाइल हर जगह से सील हो जाता है। अगर कंपनी वाटर फोन नहीं भी बनाती है तो ये रिमूवेबल बैटरी के कंपैरिजन में हल्की बारिश के साथ साथ धूल मिट्टी से भी बच जाता है और ऐसे में अंदर के हिस्सों में किसी तरह के नुकसान पहुंचने से बच जाता है। यानी कि अगर आपका वाटरप्रूफ मोबाइल नहीं है तो भी अगर गिरता है या फिर कोई पानी या धूल चला जाता है तो ये थोड़ी सी बच ही जाएगी। नंबर फाइव, लोग बाजार में मिल रहे डुप्लीकेट और सस्ते बैटरी लगा लेते थे जिसके कारण बैटरी फूलने के चांसेस ज्यादा रहते थे और यहाँ तक कि बैटरी के फटने की भी शिकायत आती थी और इसका सीधा असर स्मार्टफोन की कंपनी पर पड़ता था। इससे मार्केट में कंपनी की गलत छवि बनता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन रिमूवेबल बैटरी अच्छा होने के कारण ये लॉन्ग लाइफ तक चलती है। अब बात करते हैं नॉन रिमूवेबल बैटरी आने के नुकसान के बारे में। सबसे पहला, जब फोन में रिमूवेबल बैटरी होता था और जब ये पानी में गिर जाता था तो हम तुरंत बैटरी को निकाल कर सुखा देते थे ताकि फोन सही रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नंबर टू, फोन हैंग होने पर आप पहले बैटरी निकाल कर रिस्टार्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगे। नंबर थ्री, इस टाइप के मोबाइल की बैटरी को आप खुद नहीं बदल सकते, आपको सर्विस सेंटर या किसी मोबाइल दुकान में ही जाना पड़ेगा जिसके कारण रिमूवेबल बैटरी के तुलना में इसमें ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। नंबर फोर, बैटरी खत्म होने पर इमरजेंसी में किसी सेम मॉडल के भी किसी दूसरे फोन की बैटरी नहीं लगा सकते, इसे पावर बैंक या डायरेक्ट चार्जिंग की सहारा लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस आज के इतना ही। अब आपको पता चल ही गया होगा कि रिमूवेबल बैटरी और नॉन रिमूवेबल बैटरी में कौन कितना अच्छा और कितना खराब है। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।